एक सात दूधा बाहर अपने शिष्या के साथ रहा करता, लेकिन पूजा करा करता ना वो तांबे का लोटा रखा करता, और तांबे का लोटा रख तो के करता रोजाना उन्हें मांझता बड़ा सुंदर लगा निकलता। एक दिन उसका शिष्य कहने लग्या कि महाराज गुरुवर आप इस लोटे रोजाना मांझो, ये जो घिस जाएगा खत्म हो जाएगा, आप इन हफ्ते में एक बार भी तो मान सको। कहता ठीक है बेटा कोई दिक्कत, जैसी आपकी इच्छा। उन्हें एक हफ्ता ना मांझ, जब एक हफ्ता हो गया अपने शिष्य तो कह ले बेटा मांझ के लिया। उन्हें बड़ी हिम्मत मारी जो रोजाना चीज मन जाया करती वह एक दिन हफ्ते में बन जाएगी तो वो चमक थोड़ी ना होगी। कह रहा बेटा चमक नहीं आई, फिर भेज जा, फिर मत जा, फिर भी चमक नहीं आई, फिर तीसरा फिर भेज जा, जा बेटा चमक नहीं आई, तीन चार। अब शिष्य के समझ में कहाँ होती बात। कह लगा बेटा मन भी ऐसा ही है, अगर इसे रोजाना मांस दे रहोगे भगवान के भजन ते तो साफ रहेगा, उजला रहेगा, लेकिन अगर इसने तुम हफ्ते के लिए बंद कर दोगे तो ऐसे लोटे की तरह हो जाओगे, मांझ मांझ थक जाओगे, वो चमक नहीं आओगे। इसलिए अपना मन रोजाना मांझना चाहिए इंसान ने भगवान के भजन के द्वारा, और भगवान के भजन से अगर मन को मांझोगे तो भाई कोई दिक्कत नहीं आओगी।